आज की तारीख में 10 में से 3 महिलाएं एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसका नाम है हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है? आपके गले में एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जब पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकाल पाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म। ऐसे में होता क्या है, आपके शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सारा का सारा धीमा हो जाता है। जैसे कि आपको थकान बहुत लगेगी, आपको कमजोरी बहुत लगेगी, आपके बाल बहुत तेजी से टूटने शुरू हो जाएंगे, आपकी मसल्स में बहुत पेन होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पर्याप्त मात्रा में आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, आपको उलझन बेचैनी घबराहट रह सकती है। इसके साथ साथ में आपके पीरियड्स कैसे होंगे, पीरियड्स स्लो हो जाएंगे। हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक पीरियड बिल्कुल आए ना, और अगर आ भी जाए तो फिर बहुत तेजी से पीरियड आना शुरू हो जाए। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म। क्या करना होगा इसके लिए, 3 उपाय बता रहा हूँ। नंबर 1, आपको अपनी बॉडी को सेल लेवल पर डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। किस लेवल पर डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, सेल लेवल पर डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको सेल लेवल पर डिटॉक्सिफाई करना है तो क्या चाहिए होगा आपको, नोनी और डिटॉक्स। 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को नोनी पीजिए, इसके साथ में डिटॉक्स की एक टैबलेट लीजिए, सेल लेवल पर डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अगर आपकी थायराइड में स्वेलिंग आ गई है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको इम्यूनो मॉड्यूलेटर चाहिए होंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, अश्वगंधा चाहिए होगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको ब्राह्मी चाहिए होगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको सिलाजीत चाहिए होगा, और आपको चाहिए होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये 4 चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होगा अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए। और कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला घरेलू उपाय है धनिया का पानी। 1 चम्मच धनिया ले लीजिए खड़ी वाली, 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठने के बाद में पानी गर्म कर लीजिए, जब पानी आधा बचे छान के पी जाइए, ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है सेंधा नमक। अपने घर में जो आयोडीन वाला नमक आप यूज़ कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए सेंधा नमक से। तीसरा उपाय क्या है, थोड़ी सी दालचीनी ले लीजिए, थोड़ी सी मेथी ले लीजिए, और थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, इनका अच्छे से काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद में छान के इसको पीना शुरू कर दीजिए सुबह शाम, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। तो ये 3 अगर उपाय आप करते हैं, नोनी डिटॉक्स, अश्वगंधा ब्राह्मी, ओमेगा 3, और रात में सोते समय सिलाजीत, अगर आप ये लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत आराम मिलेगा। और विशेष जानकारी चाहते हैं, मेरे साथ में पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप 8840648291 पर बात कर सकते हैं और मेरे संग में अपना सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।